सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें बड़ी दुखदाई होती हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होम रेमेडी जिससे कि आपके अगर हाथों पे चोट लगी है या फिर आपके घुटनों में दर्द है या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये कवर करेगा। मैं यहाँ पर लिया है यहाँ पे कच्ची हल्दी, और कच्ची हल्दी हमें आसानी से मिल जाती है सर्दियों के मौसम में। आप कच्ची हल्दी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप रॉ हल्दी जो आपके पास है, जैसे कि पीसी हुई हल्दी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीलर की हेल्प से आपको इस कच्ची हल्दी को अच्छे से पील कर लेना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं। और हल्दी जो कच्ची होती है ना, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो ठंडियों में जैसे अगर डाइजेशन नहीं है प्रॉपर, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि एक्सलेंटली हमारे पेन को रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जॉइंट्स पेन की अगर मैं बात करूँ तो कच्ची हल्दी का आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको आर्थराइटिस है या फिर आपको खाने में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका डाइजेशन, तो कच्ची हल्दी काफ़ी हेल्प करती है। और कच्ची हल्दी के साथ में मैं यहाँ पे जिंजर ले रही हूँ दोस्तों, जो कि आपके हील करता है। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है या फिर किसी भी प्रकार का, जैसे कि आप मेरे फिंगर में देख सकते हो, तो ये 1 वीक के अंदर ही आपको बहुत ही आराम देगी। मैंने यहाँ पे 1 वीक से इसे लेना शुरू कर दिया है और बहुत आराम मिला है। जैसे कि कहीं पे भी अगर घुटनों में दर्द है, कमर का दर्द है या फिर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तो ये सबसे रामबाण उपाय है। और मैं इसे 1 वीक से कर रही हूँ, बिलीव मी दोस्तों। और कमर का दर्द हो गया, चाहे हाथों पैरों में दर्द हो गया, जॉइंट्स में, कहीं पे भी अगर आपको पेन हो रहा है, तो आप इस तरह से इस रेमेडी को आप ज़रूर एक बार बना करके ट्राई करिएगा, जो कि आपको बहुत आराम देगी। और सर्दियों के मौसम में इन सारी चीज़ों का होना, जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उन्हें तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जो इस समय ये जो चीज़ें मिलती हैं, हमें बिल्कुल इस तरह से लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से, और एक पतीला ले लीजिए, और उसके अंदर आपको यहाँ पे कच्ची हल्दी और जो जिंजर है उसे ले लेना है। और इसके अंदर आप मिल्क के साथ में इसे बना सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप इसे शक्कर वगैरह या चीनी वगैरह का यूज़ ना करिए। मैंने यहाँ पे किस तरह से हनी से यूज़ करती हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। कमर दर्द हो गया, चाहे तो घुटनों का दर्द हो गया, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ, जो मैं गाय का जो दूध होता है वही ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि गाय का दूध काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस रेमेडी को आप गाय के दूध में बनाइएगा। बफेलो मिल्क थोड़ा सा डार्क होता है, उससे इतना ठीक ठाक है। अगर आपके पास जो भी मिल्क है आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट कच्ची हल्दी और यहाँ पर आपको इस तरह से जिंजर का यूज़ करना मस्ट है। सर्दियों के मौसम में कच्ची हल्दी की गांठ आराम से हमें मिल जाती है, और ये हमारा गोल्डन जो मिल्क रेडी हो जाएगा दोस्तों, कई गुना फ़ायदेमंद देने वाली है, क्योंकि कच्ची हल्दी का जो पाउडर होता है उससे कई ज़्यादा गुण इसमें पाए जाते हैं, जो गांठ मिलती है कच्ची हल्दी की। देखिए, मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए फिर आप इसे उतार दीजिए, और गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है। यहाँ पर अगर शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है या फिर पाचन तंत्र क्रिया अगर आपकी सुधर नहीं रही है, तो इस तरह से कच्ची हल्दी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसके अंदर ना कर्क्यूमिनाइड्स पाया जाता है और वोलाटाइल तेल पाया जाता है, जो कि कैंसर से लड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें कच्ची हल्दी का सेवन करते रहना चाहिए, बट इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार कंटिन्यू करना है, फिर स्किप कर देना, इसका बहुत ज़्यादा लगातार सेवन भी नहीं करना। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।